हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी मोबाइल के एप्लीकेशन को हम लोग रोलिंग वे में कैसे सेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है रोलिंग आइकन। इस ऐप की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो ऑब्वियसली इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब ये देखिए इस एप्लीकेशन का कमाल, आपका सारा ऐप आइकन रोल करने लगेगा। ये देखिए इस तरह से आप जिस भी ऐप को ओपन करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर आप इमोजी का आइकन लगाना चाहते हैं या फिर आपको खुद के फोटो का या किसी और के फोटो का आपको ऐप आइकन सेट करना हुआ तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रोलिंग आइकन को स्टॉप करना हुआ तो ये देखिए यहाँ पे आपको सर्कल का आइकन दिख रहा होगा, इस आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका ऐप आइकन नॉर्मल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने मोबाइल के आइकन को रोलिंग वे में सेट कर सकते हैं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो आप यहाँ आई के आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोज बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।